वक्त है सुबह का, स्थान है झोपड़ी। बलिया के सांसद रहे और भारत के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, ये झोपड़ी है, ये झोपड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। सदानंद भवन, एक समय था जहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा आप देख रहे हैं, उस वक्त जब बलिया के सांसद चंद्रशेखर जी के पार्टी का समाजवादी जनता पार्टी का झंडा लहराता था, सब कुछ बदल गया। हम बहुत पहले नहीं जाएंगे, लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर जी इसी जगह से बैठकर लोगों से मिलते थे, क्योंकि उस वक्त 5 विधानसभा बलिया जिले का ही था। बांसडीबी लोकसभा क्षेत्र बलिया से ही जुड़ा था, विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं। दोस्तों, चंद्रशेखर जी के जाने के बाद सचमुच में ये झोपड़ी सुनी हुई, देश के बड़े बड़े नेता यहां आते थे। चुनाव का वक्त था, अप्रैल का महीना था, जब चंद्रशेखर जी को बधाई देने के लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह भी आए हुए थे। मैं उस जगह पर जा रहा हूं जहां चंद्रशेखर जी का वो कमरा था, जहां वो निवास करते थे, उस कमरे में। ये चंद्रशेखर जी का कमरा है, चंद्रशेखर जी इसी कमरे में रहते थे। लॉन है, उसके अंदर कमरा है, और ये किचन है। यहाँ चंद्रशेखर जी सामने बैठ के भोजन करते थे, इस जगह। वैसे उनके पुत्र राज्यसभा सांसद नीरज शेखर यहाँ रहते हैं, और अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाल के चल रहे हैं और लोगों को लेकर चल रहे हैं। कुछ बातें और हैं। चंद्रशेखर जी के निधन के बाद बलिया की जनता ने नीरज शेखर पर भरोसा जताते हुए बलिया की राजनीतिक विरासत को समर्पित करते हुए उपचुनाव में, 2007 के उपचुनाव में नीरज शेखर को बलिया का सांसद चुना। सब कुछ अच्छा चला। फिर समय बीता, 2009 लोकसभा चुनाव का वक्त आया, फिर समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट देके मैदान में उतारा और चुनाव भी जीते और सांसद भी बने। 2014 में भी समाजवादी पार्टी ने नीरज शेखर को प्रत्याशी बना के मैदान में उतारा, लेकिन उस वक्त मोदी लहर में कामयाबी नीरज शेखर को नहीं मिली, वो चुनाव हार गए। फिर 2019 में फिर समाजवादी पार्टी पे भरोसा जताते हुए उन्होंने एक प्रयास किया अखिलेश यादव से मिलके, लेकिन अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा न जता के सनातन पांडे को समाजवादी पार्टी से टिकट दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने वीरेंद्र सिंह मस्त को दिया। भाजपा के वीरेंद्र सिंह मस्त बलिया के सांसद बने, वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सनातन पांडे चुनाव हार गए। अब 2024 आ रहा है। मैं इस वीडियो को इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये 2024 में क्या नीरज शेखर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ पाएंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी, क्या यहाँ झोपड़ी पे रौनक आएगी, क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता चंद्रशेखर जी की झोपड़ी में आएंगे, क्या फिर से यहाँ से रौनक दौड़ेगी। उस सामने जयप्रभा गेस्ट हाउस है जहाँ चंद्रशेखर जी मीडिया से मिलते थे, लोगों से मिलते थे। तो ये समाचार का, वीडियो का मतलब ये है कि क्या भारत के
पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी उस वक्त थे जब देश में बलिया का नाम रोशन हो रहा था, आज भी है। ये झोपड़ी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम से जानी जाती है, क्या इस झोपड़ी में 2024 में रौनक आएगी? हालांकि जब नीरज शेखर होते हैं तो लोग यहां होते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त में सारा कुछ भरा रहता है जो खाली आपको दिख रहा है। बलिया का नाम पूरे विश्व में है, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी उस वक्त थे जब बलिया का नाम पूरे विश्व में हिट हुआ। सदानंद भवन दोस्तों, सुबह का वक्त है तो आज मेरी इच्छा थी कि आज चंद्रशेखर नगर झोपड़ी पे चला जाए। हालांकि मैं नीरज शेखर जी से मिलने आया था, लेकिन मैंने उनको फ़ोन किया, पता चला कि वो राज्यसभा सदन चलने वाला, उसको लेकर वो दिल्ली में है। नमस्कार।